प्यारे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और प्रे करती हूँ कि आप सब बढ़िया ही रहे, क्योंकि आप सब बढ़िया रहेंगे तो ही मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपी है बिल्कुल बिहारी स्टाइल में मटन रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे मैं बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए हमने आलू लिए हैं, और बिहारी स्टाइल मटन बनाने के लिए हम आलू बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ में कट करेंगे। आलू वाली झोल बना रहे हैं हम, तो बड़े बड़े साइज़ में आलू कट करेंगे। एक आलू का मैंने दो चीरा लगाया है, और इसे हल्दी और नमक डाल के बढ़िया से फ्राई करेंगे ऑयल में, और इसे सरसों के तेल में बनाएंगे। अभी हम मसाले रेडी करेंगे, जैसे सूखे मिर्च, जायफल, दालचीनी, लौंग, इलायची। और मटन बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मसाला लेंगे, बिल्कुल पहले का पिसा हुआ नहीं लेंगे। ताज़े मसाले का स्वाद ही अलग होता है, तो मैंने एकदम ताज़ा मसाला अभी पाउडर बनाया है। तो हल्का सा तवे पे सेक के उसे मैंने ठंडा कर लिया है, उसके बाद उसका पाउडर बना लिया है। और आलू हमारी फ्राई हो चुकी है, उसे निकाल लिया है। और उसी सरसों के तेल में हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, एक इलायची, एक लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, और उसे अच्छे से भून के हमने प्याज डाले हैं। मैंने चार बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं। मटन में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ही रहता है तो अच्छा लगता है, तो मैंने प्याज अच्छे से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। प्याज का कलर चेंज होने देंगे। ये मैं चावल बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि बहुत जन गोविंदो भोग चावल ना थोड़ा गीला कर देते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कुछ टिप्स है, जैसे कि इसमें चावल जब पानी उबलेंगे उसमें थोड़ा सा सरसों का रिफाइंड का तेल डाल दीजिए, और चावल में थोड़ा स्मेल लाने के लिए तेजपत्ता, लौंग, इलायची डाल दीजिए। थोड़े से चीनी डाले हैं मैंने, और चावल को आगे से भिंगा के रखेंगे और फिर उसे पानी में डाल के बनाएंगे। तेल डालने से हमारी चावल क्या है, चिपकती नहीं है। तो अभी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और उसमें डाल दिया है मैंने मटन, और मटन और प्याज को बढ़िया से भूनेंगे मीडियम फ्लेम करके, बिल्कुल जब तक कि मटन का भी कलर चेंज हो जाएगा, प्याज का कलर चेंज होगा, बढ़िया से उसे फ्राई होने देंगे। तब तक हम मसाले रेडी करेंगे। और पहले के टाइम पर ना, जब मसाले मटन बनते थे या कोई भी सब्ज़ी बनती थी, हर चीज़ को थोड़ी देर करके पानी में भिगोया जाता था। और सच में बिलीव मी, आप ये सब चीज़ें जो पानी में थोड़ी देर करके, आलू भिगो के रखना, प्याज को भिगो के रखना, अदरक लहसुन को बनना पीसने से पहले थोड़ी देर भिगो के रखना, इससे बहुत बढ़िया एक स्वाद आता है सब्ज़ी में, मसाले में। तो ये सब बकवास नहीं है, सच में इस चीज़ों का महत्व होता है। तो बिल्कुल आप कभी ट्राई करके देखिएगा, जब आप मटन बना रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आलू भिगो के रख दीजिए, और अदरक लहसुन को बिल्कुल भिगो के, मिर्च को भिगो के बढ़िया से वॉश करके उसके बाद उसको पीसिए। तो सील बट्टे से, भैया मेरे से नहीं हो पाया सील बट्टे से पीसना, तो मैंने मिक्सी में ही पीस लिया है। कुछ पाउडर मसाले जैसे जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब पहले गोटा लेके सिल बट्टे में पीसते थे। और अगर आपको वही टेस्ट चाहिए ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको थोड़े देर के लिए पाउडर को एक कटोरी में पानी डाल के थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए, तो आपको वही वाला स्वाद लगभग मिल जाता है। तो हमने इसे 5 मिनट तक भिगो के रखा था, और उसके बाद अच्छे से तेल में डाल देंगे। और हमारी जो पीसी हुई पेस्ट थी अदरक लहसुन और लाल मिर्च की, इसे 3 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है, और अच्छे से मटन के संग हम मिक्स कर लेंगे। मटन अच्छे से हमारा भून चुका था, आपने देखा होगा, बढ़िया से जब मटन और प्याज मिक्स हो जाएंगे, भून जाएंगे, बिल्कुल प्याज गल जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, तभी हम मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसे आप भूनेंगे। प्याज को भूनने का एक टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को, जब हम प्याज सब्जी में प्याज डालते हैं ना, तो प्याज को भूनने का अलग अलग तरीका होता है, और उसी तरीके से डिपेंड करती है कि हमारी सब्ज़ी में कैसा स्वाद आएगा। अच्छे से भून रहे हैं, अगर हम प्याज को ढक के भूनते हैं, सॉफ्ट करके भून रहे हैं, तो सब्ज़ी की टेस्ट अलग आता है। अगर हम उसे खोल के क्रंची करके भून रहे हैं, बिल्कुल क्रंची वाला रेड करके, लाल लाल करके भून रहे हैं, तो हमारी सब्ज़ी की टेस्ट अलग आती है। अगर हम छोटे छोटे साइज में कट करके हल्का कच्चा प्याज, मतलब हल्का ही भुना है, बस थोड़ा सा भून के अगर उसमें हम मटन या चिकन मिला देते हैं, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट अलग आता है। तो इस तरीके से प्याज भूनने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है सब्ज़ी के स्वाद में, सबका ही अलग अलग स्वाद होता है। तो अभी हम गरम मसाले डाले हैं इसमें, और फ्राई की हुई आलू डाली है। गरम मसाला हम थोड़ा सा ही डालेंगे अभी, और लास्ट में गरम मसाला हम फिर से डालेंगे। तो हमारी अच्छे से भून चुकी है मसाले, और अब हम पानी ऐड करेंगे। और अच्छे से हमने ग्रेवी रखी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला ही किया है। और इस एक सूखी मिर्च मैंने डाली है, इससे लुक भी बहुत बढ़िया आता है। और जिस किसी को भी थोड़ा सा तीखा चाहिए होगा, वो मिर्च को ऐसे तोड़ के खा सकता है,
तो हमने अच्छे से मिर्च को डुबो दिया है और इसमें गल जाएगी। और ये जब भी हम मटन या चिकन बनाते हैं तो थोड़ा सा इसे दाग लगा देते हैं क्योंकि बाहर से आता है, तो ये मेरा है, मैं इसे करती हूँ, यूज़ करती हूँ इस तरीके से। अब अच्छे से उबल चुकी है और थाली हमारी रेडी हो चुकी है। और अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।